यहाँ पर रायपुर में आयोजित कांग्रेस के नेशनल कॉन्क्लेव में सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम बघेल ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ के मॉडल की चर्चा पूरे देश में है और उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा, पूरे देश ने देखा है कि गुजरात मॉडल का क्या हर्ष हुआ। आज 9 साल बाद कोई गुजरात मॉडल की चर्चा भी नहीं करता। अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए सीएम ने कहा कि कांग्रेस सरकार रोजगार, नौकरी और मूल सुविधाओं पर जोर दे रही है। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार किसानों की हितैषी है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों की हितैषी सरकार है। देश में चर्चा चली थी गुजरात मॉडल, पूरे देश में 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले गुजरात मॉडल की पूरे देश में चर्चा रही, लेकिन 9 साल बाद आज कोई नहीं बता सकता कि गुजरात मॉडल है क्या, गुजरात मॉडल का देश में क्या प्रभाव पड़ा, उसका लाभ क्या हुआ। जिन लोगों ने बहुत जोर शोर से गुजरात मॉडल की बात की थी, आज उसकी चर्चा भी नहीं करते, चर्चा नहीं करते, उन्हें कुरेदने के बाद भी कुछ नहीं बताते। लेकिन देश देख रहा है कि गुजरात मॉडल का हर्ष क्या हुआ। हमने न्यूनतम आवश्यकता को जोर दिया, आय तो हो और उसके साथ आवश्यकता, आवश्यकता क्या, भोजन जो सुपोषित हो, साथ ही उसके आवास, शिक्षा, रोजगार और उसके साथ उसकी उद्यमता कैसे बढ़े, इस पर हमने जोर दिया। और आपने देखा होगा किसानों के ऋण माफी के साथ साथ जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसे हमने 2500 रुपया किया। धान का हमारा प्रदेश धान उत्पादक राज्य है। बीच में भारत सरकार ने रोक लगाया कि आप समर्थन मूल्य से 1 रुपये भी ज्यादा खरीदेंगे तो आपका चावल आपके राज्य से नहीं खरीदा जाएगा। तो हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना 9000 रुपये प्रति एकड़ हिसाब से देना शुरू किया। छत्तीसगढ़ मॉडल हिट, गुजरात फेल, ये कहना है सीएम भूपेश बघेल का। उन्होंने कहा कि देश जानती है कि किस तरह से गुजरात मॉडल का हर्ष हुआ है और अब 9 साल बाद कोई भी गुजरात मॉडल की बात नहीं करता है। सीएम भूपेश बघेल ने सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए उनसे जानते हैं क्या कुछ खास इस बैठक में हुआ। ओम प्रकाश जी, जिस तरह से गुजरात मॉडल की चर्चा सीएम भूपेश बघेल ने की और तंज कसते हुए कहा कि गुजरात मॉडल पूरी तरह से फेल हो चुका है और छत्तीसगढ़ मॉडल की गूंज पूरे देश में सुनाई देती है, और क्या कुछ खास इस बैठक में हुआ? देखिए, जिस तरह से छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा हर बार पूरे भाजपा के लोग उठाते रहे हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश चुनाव हो चाहे वो असम चुनाव हो, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा हमेशा बीजेपी करती रही है और ब्लॉक कर करार देती रही है। इसी तारतम्य में भूपेश बघेल ने भी कहा है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनाया गया था और भाजपा पुरजोर तरीके से प्रचारित कर रही थी कि गुजरात मॉडल पूरे देश में ले आएंगे, लेकिन गुजरात मॉडल जो है वो पूरी तरह से फ्लॉप रहा है। और भूपेश बघेल का ये भी कहना है कि जो सरकारी संपत्तियां हैं उसको यदि सरकार द्वारा बेच दिया जाता है तो क्या यही गुजरात मॉडल है? तो उन्होंने ये तंज कसा है भाजपा के ऊपर। और लगातार वो ऐसा नहीं है कि भूपेश बघेल लगातार केंद्र सरकार को निशाना साधते रहे हैं, नरेंद्र मोदी को निशाना साधते रहे हैं, चाहे वो खाद की समस्या को लेकर हो या फिर जीएसटी के मसले को लेकर हो, तमाम मुद्दों पर मुखर होकर केंद्र सरकार का विरोध करते रहे हैं। जी बिल्कुल। और ऐसे में सबसे बड़ी बात जो सीएम भूपेश बघेल ने कही वो ये कि उनकी सरकार किसानों की हितैषी सरकार है।
जी बिल्कुल भूपेश बघेल लगातार जो किसी कृषि का यदि क्षेत्र में बात करूं तो किसानों के लिए उन्होंने बेहतर कार्यों को अमले जामा पहनाया है और उसका बेहतर क्रियान्वयन किया है। शायद यही वजह है कि आज छत्तीसगढ़ में जो किसानों की स्थिति जो है वो काफी उसमें सुधार देखा गया है। जिस तरह से 2500 रुपए समर्थन मूल्य पर सरकार धान की खरीदी कर रही है, इसके अलावा नरवा गरवा घुरवा बारी योजना के तहत उन लाखों बेरोजगार महिलाओं को रोजगार रोजगार सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य हुए, तो तमाम जो चीजें हैं जिस तरह से सरकार ने गोबर खरीदी की योजना गई, ये जाहिर तौर पे एक मील का पत्थर साबित हो सकता है पूरे देश के लिए। और भूपेश बघेल भी यही चाहते हैं कि जो जो वो तबका जो अभी तक मुनाफे से दूर रहा है उन तबकों को मुनाफा दिया जाए और उन्हें आर्थिक सुदृढ़ता प्रदान की जाए। जी बिल्कुल, और ऐसे में गौमूत्र विक्रय योजना भी सरकार के लिए उनकी पीठ थपथपाने का एक बड़ा कारण और बन जाता है। जाहिर तौर पर कांग्रेस संगठन जो है वो तमाम बैठकों में इसी बात का जिक्र करती आ रही है कि सरकार ने जो बेहतर योजनाएं लाई है उसको हम जन जन तक पहुंचाए और उसका लाभ नीचे हर अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक मिले, तो ये तमाम सोच के साथ कांग्रेस संगठन भी काम कर रही है। और भूपेश बघेल भी जो जिन योजनाओं को लेकर आए हैं उन योजनाओं को और आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। जिस तरह से हमने देखा कि पिछले साल गोबर खरीदी के द्वारा कई लोगों को जैविक खाद के लिए प्रोत्साहित किया गया, वर्मी कंपोस्ट खाद के लिए प्रोत्साहित किया गया, अब छत्तीसगढ़ सरकार 28 तारीख से गोमूत्र खरीदकर ये एक तरह से शंखनाद कर चुकी है कि एक छत्तीसगढ़ के अंदर जैविक क्रांति की बहाली होने वाली है। और जैविक क्रांति के जरिए जिस तरह से गोमूत्र से जैविक जो रासायनिक खाद के बजाय जो है जैविक खाद बनाए जाएंगे, जैविक पेस्टिसाइड बनाए जाएंगे, ये काफी हद तक ये छत्तीसगढ़ के लिए और छत्तीसगढ़ की माटी के लिए ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश जी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।